हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवाशीष गिरे और आपके अपने चैनल डीजी ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये मेरा वीडियो आज डॉग पे रिलेटेड नहीं है, ये मेरा वीडियो आज पबजी पे रिलेटेड है। हाँ दोस्तों, मैं भी पबजी खेलता हूँ और मुझे भी ये बात सुन के बहुत थोड़ा सा दुख हुआ कि पबजी इंडिया में बैन हो गया। तो पबजी इंडिया में बैन तो हो गया दोस्तों, 7 दिन के अंदर इसका सारा जो अब सॉफ्टवेयर वगैरह सारा बंद हो जाएगा। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि दोस्तों, ये 7 दिन के बाद पबजी जैसे गया है वैसे पबजी वापस भी आ जाएगा। हाँ दोस्तों, आपको जान के खुशी होगी कि पबजी सही में वापस आने वाला है 7 दिनों के बाद। एक्चुअली बात यह है दोस्तों कि पबजी के साथ आप लोग गेम खेलते हो तो शुरू में आपका स्टार्टिंग में टेंसेंट आता है, तो टेंसेंट जो है वो कंपनी चाइना की है, ठीक है। तो पबजी में 10% का हिस्सेदार चाइना भी है, तो इसमें जितना भी पैसा जाता है इसे अच्छा खासा रेवेन्यू चाइना को भी जाता था। तो दोस्तों, भारत सरकार की नीति के द्वारा चाइनीज सारे ऐप को बैन कर दिया गया है, उसी के तहत दोस्तों ये भी जो पबजी है इसको भी बैन कर दिया गया है। तो कुछ अंदर की खबर ये है दोस्तों कि पबजी के जो 10% का टेंसेंट का जो पार्टनरशिप है, जो शेयर है चाइना का, वो पबजी निकालने वाला है। हाँ दोस्तों, टेंसेंट जो पबजी के साथ जिसका बॉन्डिंग था वो बॉन्डिंग अब नहीं रहेगा, चाइना के साथ जो उसका हिस्सेदारी था 10% शेयर का वो नहीं रहेगा। तो दोस्तों, जैसे कि 7 दिन के बाद पबजी फिर से इंडिया में लॉन्च हो जाएगा और हम लोग खेल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाइना अपने लिए एक पबजी का दूसरा वर्जन जी प्ले करके बनाया हुआ है, जिसमें पबजी वहाँ पे चलता है, लेकिन वो पबजी के नाम से नहीं, जी प्ले के नाम से चलता है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।